अमित शाह और अमरिंदर सिंह की मुलाकात के बाद कांग्रेस में भी विरोध की आवाज उठने लगी है। पार्टी के कई नेताओं ने हाईकमान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर। कांग्रेस में मचे सियासी घमासान के बीच वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने अपनी ही पार्टी पर हमला बोल दिया। सिब्बल ने अपने बयान में सोनिया गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा 10 जनपद की तरफ ही था। सिब्बल ने कहा कि जब पार्टी में कोई निर्वाचित अध्यक्ष नहीं है, तब फिर पार्टी में निर्णय कौन ले रहा है। सिब्बल ने ये भी कहा, जो लोग खास थे वो पार्टी छोड़कर चले गए और जो खास नहीं थे वे आज भी पार्टी के साथ खड़े हैं। गुलाम नबी आजाद ने भी सोनिया गांधी को खत लिखकर सियासी पारा बढ़ा दिया। सूत्रों के मुताबिक गुलाम नबी ने खत के जरिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आपात बैठक बुलाने की मांग कर दी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।